क्या सोचा जा रहा है? यही कि हमारे दुश्मन हमें तकलीफ पहुंचाकर किस कदर सुकून है। यही बात तो मुझे चैन से बैठने नहीं दे रही। तुम्हें याद है वो उष्णा की दादी? उष्णा की दादी? हाँ, क्यों? काम आ सकती है वो हमारे। किस तरह? मैं कुछ समझी नहीं भाई। वो एक दो बार घर आ चुकी हैं, फूफो से मिल चुकी हैं, तब भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो अब आपको क्यों लगता है कि उष्णा की दादी हमारे काम आ सकती हैं? हम सब इस हकीकत से वाकिफ हैं कि उष्णा फूफो की सगी औलाद नहीं है। और उष्णा भी, सब ये जानते हैं कि उष्णा फूफो की औलाद नहीं है, लेकिन उष्णा किसकी औलाद है ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो आखिर उष्णा किसकी औलाद है? कोई तो बात है। मामा भी बार बार कहते कहते चुप हो गए। आप बताए ना कि राज क्या है। बता दूंगा, लेकिन तुम एक काम करो, तुम किसी तरह मामा से कहकर उष्णा की दादी का एड्रेस निकलवा लो, क्योंकि वो मुझे तो किसी कीमत पर नहीं बताएंगी, लेकिन तुम ये काम कर सकती हो। फिर मैं देखता हूँ इन दोनों को अलग होने से कौन रोक सकता है। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.